तो आज की रेसिपी है गर्मियों में बहुत स्वाद आने वाली कटहल की तरीदार सब्जी। आपने अपने घर में कटहल तो जरूर बनाया होगा, लेकिन झटपट बिना काम फैलाए बिना किसी परेशानी के तैयार होने वाली आज की रेसिपी है, जो दिखने में ही कमाल की लग रही है, बट स्वाद आप अपने घर में बनाइए खाइए, तब समझ में आएगा कि स्वाद इसका कैसा है। एक तरफ मीट और एक तरफ कटहल की ये वाली सब्जी रखी जाए तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की तरी वाली कटहल की रेसिपी स्टार्ट की जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने 3 पाव कटहल लिया है। कटहल को हम मार्केट से ही कटवा के आए हैं, छोटे छोटे सेम पीस में। यहाँ पर कटहल को उबालेंगे। कढ़ाई में डाले हुए हैं हम पानी। पानी में डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। जब पानी बॉयल होने लगेगा तब उसमें डालेंगे हम कटहल को, और 5 मिनट बॉयल कराएंगे, 5 से 7 मिनट। जब तक हमारा कटहल बॉयल हो रहा है, हम लहसुन प्याज और अदरक को ग्रेटर में अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हम 6 प्याज लिए हैं, 30 जवा लहसुन है और 1.5 इंच अदरक है, 3 टमाटर है और हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च को अलग ग्रेट करेंगे, अदरक लहसुन और प्याज को अलग ग्रेट करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि कटहल को उबालना बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कटहल में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उबलने से वो ख़त्म हो जाता है और कटहल का टेस्ट और भी बढ़ता है। इसलिए जब पानी खौलने लगे उसके बाद 5 से 7 मिनट कम से कम कटहल को ज़रूर बॉयल करें, उससे कटहल की सफाई भी हो जाती है। अब बारी है कटहल को तलने की। तो हम कच्ची घनी सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं कटहल को तलने के लिए। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे हम हींग। क्योंकि हींग इसलिए डालेंगे क्योंकि कटहल में बादी होता है, हींग डाल के तलने से कटहल की बादी ख़त्म हो जाती है। हींग के लाल हो जाने के बाद हम डालेंगे कटहल, और कटहल को हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर हमें कटहल को लाल लाल फ्राई करना है। जब तक हमारा कटहल फ्राई हो रहा है, हम प्याज लहसुन और अदरक को एक जगह ग्रेट कर लिए हैं ग्रेटर से, और मिर्च और टमाटर को एक जगह। 2-2 मिनट में हमें कटहल को चलाते रहना है कि नीचे से वो लग ना जाए, और हमें बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है कटहल को। हाई और मीडियम फ्लेम में तलते हुए कटहल को 8 से 9 मिनट हो गया है, और हमारा कटहल देखिए खूब अच्छी तरीके से, हमें जितना मतलब ब्राउन करना था, जितना इसको तलना था, जितना रेड करना था, उतना ये हो चुका है। अब हम कटहल को निकालेंगे, अब देंगे सब्जी का तड़का। कुकर में बनाएंगे हम सब्जी को, डालेंगे कच्ची घनी सरसों का तेल। कटहल खरीदते समय ध्यान यह दें कि कटहल को सेम साइज में कटवाएं। हमारा कटहल छोटे छोटे साइज का और सारे कटहल सेम साइज का। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद गैस को करेंगे बंद, और तेल को थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, नहीं तो खड़े मसाले का तड़का है, सारा खड़े मसाला जल जाना है। तो तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, कुनकुन हो जाएगा, तब हम डालेंगे 6 लौंग है, 1 चक्रफूल है, दालचीनी है, जीरा, गोलमिरीच, बड़ा इलायची 1 है, 3 छोटी इलायची है, 2 तेज पत्ते हैं, जिसका हमको देना है तेल में तड़का। जब भी आप छोटी इलायची और बड़े इलायची का साबुत तड़का दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे थोड़ा सा कूच लें, नहीं तो वो तेल में जाने के बाद फट सकता है, कभी कभी फटता है। इसलिए छोटी इलायची और बड़े इलायची को थोड़ा सा कूट के ही तड़का करें। खड़े मसाले को हम एकदम धीमी फ्लेम में यहाँ पर रोस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे सारे खड़े मसालों का फ्लेवर अपने आप तेल में उतरने लगेगा। तो ये चीज़ जरूर करें कि तड़का धीमी आंच में करें। खड़े मसालों को धीमी फ्लेम में हम काफ़ी देर तक गर्म किए। जब ये अच्छी तरीके से लाल हो गया है
अदरक लहसुन और 6 प्याज है जिसको हम ग्रेटर में बारीक ग्रेट करके कुकर में छोड़ रहे हैं। मसालों को तेल के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे। जब तक प्याज लाल हो रहा है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में हमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना है, गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास कैच का मीट मसाला है तो हम 1.5 पैकेट इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि कटहल भी हमारा 3 पाव है। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे सिर्फ कलर के लिए, और 1.5 चम्मच डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर और टेस्ट दोनों बढ़ाएगा हमारी सब्जी का। जो हमने काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है उससे सब्जी ज़्यादा तीखी नहीं होगी, डरिएगा मत मिर्च को देख के, बट उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हम सूखे मसालों में डाल दिए हैं पानी और इस तरीके से खूब अच्छे से ग्रेटेड अदरक लहसुन और प्याज को भूनने में 5 से 6 मिनट लग गया है। इसे हम लगातार चला रहे थे। अब डालेंगे इसमें टमाटर, ग्रेटेड टमाटर और हरी मिर्च, डालेंगे नमक, यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे टमाटर प्याज अदरक लहसुन हर चीज़ को गलने के लिए, और खूब अच्छे से मसाले को चलाएंगे। मसालों को 2-2 मिनट में चलाना है। अदरक लहसुन और प्याज को भूनने में 5 से 7 मिनट लगा था, बाद में हम टमाटर डाले तो टमाटर को भी भूनने में 5 मिनट लगा। अब इस स्टेज में जब टमाटर भून गया है तो हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और अच्छे से मिलाएंगे मसालों को। और यहीं पर, क्योंकि हमारा टमाटर भी भून गया है, जो सूखा मसाला का हम स्लरी तैयार किए थे उसे डालेंगे और मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मसालों की स्लरी तैयार किए थे इसलिए मसालों में थोड़ा पानी पानी दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है, हमें कटहल के मसाले को अच्छे से भूनना है, 2-2 मिनट में चलाते रहना है कि लिपट ना जाए, जल ना जाए करके। मीट मसालों की स्लरी डालने के बाद इसको भूनने में 4 मिनट लगा है, भून चुका है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे फ्राइड कटहल। कटहल को हम चलाएंगे, मेक श्योर कि आपका कटहल के साथ सारे मसाले अच्छे से लिपट जाएं। मसालों के साथ कटहल को भूनते 2 से 3 मिनट हो गया है। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि कटहल टूट भी सकता है, इसलिए अब हमको जो भी ग्रेवी बनाना है, क्योंकि ये तरीदार कटहल की सब्जी है तो आपको चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है, उस हिसाब से इसमें आप पानी बढ़ाएं। देखिए हमने तो ऐसी तरी बनाई है। मेक श्योर हो जाइए कि जो आपको तरी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी डाले हैं कि नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद कुकर को करना है बंद और 2 सीटी आने तक कटहल को पकाना है, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। तो कुकर में 2 सीटी हो चुका है और हम कुकर को खोल रहे हैं। देखिए हमारी सब्जी कितनी मज़ेदार दिख रही है। ये सब्जी जितनी सुंदर दिख रही है खाने में उतनी भी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, कटहल की रेसिपी होती है डन। फिर से मिलेंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।